हेलो फ्रेंड्स, हम फिर से आ गए। और दोस्तों, इस बार हम आपके लिए टॉपिक लाए हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक का स्कैनर कैसे निकालें। होता क्या है दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है ये पे फोन चलाना चाहते हैं, पर उसके पास एटीएम नहीं होने की वजह से वो पे फोन नहीं चला पाते हैं, और इसी वजह से वो एयरटेल पेमेंट बैंक खोला लेते हैं। अब बैंक तो खोलवा लिए, पर स्कैनर निकालना ही नहीं आता, आ जाते हैं यूट्यूब पर सर्च करने। पर कोई बात नहीं, आपका ये नन्ना मुन्ना भाई किस दिन काम आएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एयरटेल पेमेंट बैंक का स्कैनर कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधा चलते हैं टॉपिक पर। लेकिन उससे पहले, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, अब आप लोगों को साइड में मेरे मोबाइल फोन का स्क्रीन दिखाई दे ही रहा होगा। तो दोस्तों, यदि आप भी एयरटेल पेमेंट बैंक चलाते हैं तो आपके फोन में एक एप्लीकेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसका नाम है एयरटेल थैंक्स ऐप। और दोस्तों, यदि आपके फोन में ये एप्लीकेशन नहीं है तो आपको सबसे पहले आना है प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर आने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है एयरटेल थैंक्स ऐप। दोस्तों, आपको इस एप्लीकेशन को, ये जो एप्लीकेशन है एयरटेल थैंक्स ऐप, दोस्तों यदि आप एयरटेल पेमेंट बैंक चलाते हैं तो आपके फोन में ये वाला एप्लीकेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो आप इसको अच्छे से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसको डाउनलोड करने के बाद हम इसको ओपन करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप जैसे ही एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएंगे। तो दोस्तों, अब आपको ऊपर में दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें पहला है स्कैनर का। दोस्तों, आप यहाँ से इसको स्कैन करके आप किसी कोई मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे में टाइप नंबर का भी ऑप्शन दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप स्कैनर नहीं तो आप नंबर पर भी मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, पर दोस्तों यहाँ से आप अपने एयरटेल पेमेंट बैंक का स्कैनर नहीं निकाल सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर नीचे में ये जो पे का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सिंपल सा आपको इस पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों, पे वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है सेटिंग का। दोस्तों, आपको सिंपल सा इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने आपके एयरटेल पेमेंट बैंक का स्कैनर आ जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे एयरटेल पेमेंट बैंक का स्कैनर यहाँ पर आ चुका है। आई होप दोस्तों आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि एयरटेल पेमेंट बैंक का स्कैनर कैसे निकाला जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डेंजरस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।